पांच मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। भाइयों और बहनों, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम पांच मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, वतवक्कल अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूतु वसब्बिह बिहम्दिही वकफा बिही बिदुनूबि इबादिही खबीरा। उस हमेशा जिंदा रहने वाले अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें जिसे कभी मौत नहीं, और उसकी तारीफ के साथ पाकिजगी बयान करते रहें। वो अपने बंदों के गुनाहों से काफ़ी खबरदार है। अब देखिए, यहाँ से पिछली आयत से लेकर के अभी यहाँ से अल्लाह रब्बुल आलमीन बितरतीब हमें जो है दावत के कुछ उसूल बता रहा है कि किस तरह से हमें दावत का काम करना है और किस तरह से जहनी तौर पर भी हमें तैयार होना है। पहले तो अल्लाह के नबी से कहा कि आप कह दीजिए कि आप कोई अजर की तालीम नहीं है, आप दुनियावी अजर उनसे नहीं चाहते। अब इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप अपने तमाम दावती उमूर में या चाहे गैर दावती उमूर में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा कीजिए। क्यों? क्योंकि वही रब हमेशा जिंदा रहने वाला है, उसको कभी मौत नहीं आएगी, सारी मखलूकात मर जाएगी, वो अकेला जिंदा रहेगा। इसीलिए इसी लायक वही है कि उस पर भरोसा किया जाए, उसके अलावा कोई इस लायक नहीं है कि उस पर भरोसा किया जाए। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की तालीम दी जा रही है कि आप चाहे अपने दावती उमूर में हो या गैर दावती उमूर में हो, हर मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करें। और चाहे आपको दावत इल्लाह की राह में जो तकलीफें, जो परेशानियां, जो सऊबतें आएगी, आप उन्हें बर्दाश्त करें। उन पर साबित कदम रहने के लिए आपको चाहिए कि आप तस्बीह बयान कीजिए, नमाज पढ़िए, जिक्र इलाही में मशगूल रहिए। यानी दो चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में बताई। सबसे पहले तो यह कि भरोसा हर मामले में, हर चीज में अल्लाह रब्बुल आलमीन पर करें आप। और दूसरी चीज ये कि जो सऊबतें, तकलीफें, परेशानियां आपको पेश आएगी दावती उमूर में, तो ऐसी सूरत में आपको साबित कदम रहने के लिए क्या करना चाहिए? अल्लाह की तस्बीह बयान करनी चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, जिक्र इलाही में आपको मशगूल रहना चाहिए। ये सारी चीजें आपको दावते इल्लाह के मैदान में साबित कदम रहने के लिए मददगार साबित होगी। ये हर दाई के लिए ये उसूल है। हर दाई को चाहिए कि जो दावत का काम करने के लिए मैदान दावत में है, वो लोगों के अल्फाजों से, लोगों की बातों से कबीदा खातिर ना हो, जो है बुरा उसको ना समझे, वो अपने दिल में जो है उसकी बुराई को लेकर के ना बैठे, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें अपने लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र में मशगूल रहें। ये चीजें उसे हिम्मत और हौसला अता करेगी। लिहाजा सबसे पहले अल्लाह ताला ने कहा कि आप दुनियावी अजर की उम्मीद मत रखिए। आप दोनों को जोड़ करके देखिए, पिछली आयत को और इस आयत को, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी को जो है अहकाम दिए। कहा कि सबसे पहले आप उनसे यह कह दीजिए कि हमें दुनिया में कोई अजर आपसे नहीं चाहिए, लिहाजा आप बुरा भी बोले तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अच्छा भी बोले तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा दुनिया में तो हमें कोई अजर नहीं चाहिए और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं हर मामले में, और जो तकलीफ, जो परेशानी आएगी उस पर सब्र करेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, तो वो हमें जो है मदद करेगी दावत और तबलीग के मैदान में साबित कदम रहने के लिए। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिर में कहा कि अल्लाह ताला इनके कुफ्र से वाकिफ है, इनके गुनाहों से अल्लाह रब्बुल आलमीन वाकिफ है। जो ये मामलात आपके साथ करेंगे या करने वाले हैं या जो कर रहे हैं, इन सारी चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन खूब जानता है, तो आप इसके ताल्लुक से अपने दिल में जो है तंगी महसूस ना करें, आप अपने अंदर तंगी महसूस ना करें इनके शिर्क और इनके कुफ्र पर, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके शिर्क और इनके कुफ्र को खूब अच्छे तरीके से जानता है, इनके गुनाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छे तरीके से अल्लाह को पता है, अल्लाह इनके एक एक गुनाह को गिन रहा है और इनका बदला देर सवेर अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर इनको दे करके रहेगा। तो नाज़रीन, ये बहुत अहम पैगाम मेरे और आपके लिए था जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर उस शख्स को जो दावती मैदान में है, काम कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर उस शख्स को दिया है। नाज़रीन, चलते हैं इसके बाद हमारे अगले दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है हदीस। हदीस में जैसे कि कल के दर्स में मैंने सुन्नत में आपके सामने ये रखा था कि एक सुन्नत ये है कि जल्दी सो जाए आदमी, जल्दी सो जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था और आप इसी तरह का अमल करते थे, और रात में आप जो है जल्दी सो जाते थे इब्तिदा में, और आखिर में आप उठ करके जो है रात के आखिरी हिस्से में आप तहज्जुद पढ़ते थे। इसी तरह अगर कोई शख्स रात में इबादत करना चाहता है, या कोई मेहमान आया है, मेहमान की मेहमान नवाजी कर रहा है, या किताबों के मुताले में है, किताबें पढ़ रहा है, मुताला कर रहा है, तो यानी कोई खैर का काम अगर वो कर रहा है तो ये उसके लिए जायज़ है और बहुत अच्छी बात है। हदीस इस तरह से हैं कि हसन बसरी रहिमहुल्लाह, ये ताबाई है, बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा हसन बसरी रहिमहुल्लाह को नमाज पढ़ाने में ताखिर हो गई और वो रात में जो है लेट आए,
لوگ اٹھ کر کے جانے لگے، پھر حسن بصری رحمہ اللہ تشریف لائے اور لوگوں سے معذرت کر لی، کہا کہ مجھے فلاں فلاں میرے پڑوسیوں نے بلایا تھا کسی کام کی وجہ سے، اسی لیے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ اور پھر انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ہم ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، تقریباً آدھی رات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر ہمیں نماز پڑھائی اور اس کے بعد خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ دوسروں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے، لیکن تم لوگ جب تک نماز کے انتظار میں رہے ہو گویا نماز ہی کی حالت میں رہے ہو۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگ کسی خیر کے انتظار میں بیٹھے رہیں تو گویا وہ خیر کی حالت ہی میں ہیں، یعنی رات میں اگر کوئی شخص عشاء کے بعد اگر کوئی بھی خیر کا کام کرتا ہے، اس کا پڑھنے لکھنے کا کام ہو یا کسی مہمان سے ملاقات کا کام ہو یا کسی بھی دینی امور میں اگر وہ کر رہا ہے، اگر کوئی دینی امور وہ انجام دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا رات میں جاگنا جائز ہے، درست ہے اور یہ بہتر ہے، اور اس کا پورا کام خیر پر لکھا جائے گا۔ اور اگر وہ کسی خیر کے کام کا انتظار بھی کر رہا ہے نا، بندہ کچھ نہیں کر رہا، بیٹھ کر کے تہجد کے وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں گا، تو ایسی صورت میں بھی اس کو انشاءاللہ اجر ملے گا، کیونکہ خیر کے کام کا انتظار کرنا وہ انتظار بھی خیر ہی کی حالت میں ہوتا ہے، اور وہ خیر ہی کے کام کی حالت میں ہوتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ تو ناظرین، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور بھی ضرور جو ہے یا تو عشاء کے بعد فوراً سو جائیں، اگر کوئی کام نہیں ہے تو فوراً سو جائیں، یا اگر کام ہے تو آپ خیر کا کام کریں، اچھا کام کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس پر مجھے اور آپ کو اجر دیں گے۔ ناظرین، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید کرتا ہوں ضرور بھی ضرور میں اور آپ ان باتوں پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، اس نمبر پر کال کریں۔